so Suraj Princey, Pooja Jyoti, Sarita Azhar, uh, Priyanka, Spridhi, Namita, Geeta, subjyoti Khush very very warm welcome very very good morning so before we start the session how is the Josh so Gyara and I hope most of you have studied and you have started to study so Josh kaisa hai before the session and how are you feeling excited to give the examination or not so uh, khushi kaisi hai like सुपर एक्साइटेड ऑल ऑल सेट सेट टू टू रॉक द पेपर क्लियर दिस अटेम्प्ट ताकि नए साल की शुरुआत काफी अच्छे से हो एंड यू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जर्नी चलिए आयशा प्रदीप सबूज आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्पेशली इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर प्रिपरेशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू हैव टू मेक अ प्लान यू हैव टू मेक अ सेट टाइम टेबल की कैसे क्या करना है आई होप ऑल ऑफ दैट इज एब्सोल्युटली सेट फॉर ऑल ऑफ यू चलो बहुत एक्साइटेड है वेरी गुड साक्षी गुड मॉर्निंग सो ऐसी एक्साइटमेंट को आगे रखनी है ऐसी जोश को आगे रखना है क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी हैव टू डू इन द लास्ट फिफ्टीन डेज जब बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लगने लगता है यू हैव टू टेल योर माइंड की आई हैव स्टडीड एवरीथिंग जस्ट फिफ्टीन डेज एंड यू आर टूवर्ड योर ड्रीम सो पंद्रह दिन एंड यू गिव द लाइफ एंड यू गेट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स है ना री वेरी हैप्पी बी वेरी वेरी एक्साइटेड कोई टेंशन नहीं लेना है लास्ट रन थ्रू रिविजन हम कर ही रहे हैं टॉपिक वाइज हम कर ही रहे हैं यू हैुल्लेजेड मॉर्क तो सब कुछ सामने करते रहिए चलो तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन ये खुश सेम रीता वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सो चलो

सबसे पहले यू हैव टू गो टू दी पी डब्ल्यू वेबसाइट जब आप पीडब्ल्यू के वेबसाइट पे जाते हो यू हैव टू डाउनलोड दी पीडब्ल्यू ऐप जब आप वहां पे जाते हो यू हैव टू चूज यू जी सी नेट और जब स्पेसिफिकली आप यूजीसी नेट चूज करते हैं सो इन दी यूजीसी नेट यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ फ्री फ्री बैचेस तो आपको हमारा जो free batch है, जो कि हमारा जो जो बैच है कि सार्थक यूजीसी नेट बैच है आपको यहां पे, enroll करना है। यहां पे आपको एक एनरोल का ऑप्शन दिखेगा यू हैव टू एनरोल फॉर दिस सो फॉर ऑल द फ्री क्रैश कोर्स जो स्पेसिफिकली हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यू हैव टू स्पेशली एनरोल फॉर दिस कोर्स इससे होगा क्या जितने भी पेपर वन के आपके क्लासेस हो रहे हैं जितने भी पेपर टू

ये करना है सो so, पे आपको स्पेशली दिख जाएगा दिस बैच इंक्लूड्स टू मंथ्स एंड स्पेशली ऑनलाइन लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस टेस्ट एंड एवरीथिंग सो फटाफट से एनरोल कर लो जिन लोगों को नहीं पता है यू एनरोल हियर आप हिस्ट्री में जाओ जो भी हमारे क्लासेस होते हैं आपको वहां पे वीडियोस भी मिल जाएंगे प्लस यू विल ऑल्सो गेट दी पीडीएफ ऑफ दी करेंट सेशन वी आर डूइंग मैंने आपको एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल दिया है तो जब भी आप पीडीएफ पढ़ें एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छा से कर लीजिएगा कोशिश है ट्वेंटी क्वेश्चन के थ्रू हंड्रेड टू हंड्रेड कॉन्सेप्ट को कवर करना थ्रू आउट द सेशन चलिए

मौर्य पोस्ट मौर्य पीरियड वी हैव ऑलरेडी डन गुप्ता पोस्ट गुप्ता अर्ली मिडीवल एंड दिल्ली साल्तन तो ये सारे सेशंस जो भी हमने किया है इस सारे सेशंस में मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चंस कराए

जॉन फ्रायर पहले आपको क्या करना है आई ऑलवेज सेड ट्राई टू लर्न द क्वेश्चन हम एलिमिनेशन ट्रिक्स भी लगाएंगे ठीक है so, सो ये सारे हमारे ट्रेवलर्स हो गए अब किसने क्या लिखा है फाइव लाइन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा कॉमन है सो लेट्स सी थॉमस क्रांट ये ट्रेवलर है हु डिस्क्राइब बॉम्बे एंड एंड सूरत द राइज ऑफ शिवाजी इन अकाउंट जॉन फ्रायर इज एन इंग्लिश ट्रेवलर हु डिस्क्राइब्स अबाउट जहांगीर कैरेक्टर कितने कितने उनकी क्वालिटीज है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं Ralph Filch आपको कहते हैं आगरा के बारे में इन हिज डिस्क्रिप्शन रुडोल्फ अक्वायर ये स्पेशली आपको अकबर के रिलीजियस पॉलिसीज और जहांगीर के टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं एंड देन वी हैव गिवानी फ्रांसिस्को ये हमें औरंगजेब के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने पढ़ते वक्त किसी का नाम मिस किया है तो प्लीज उसको

उसके बाद रोल फली हमें अपने डायरी में आगरा के बारे में बताते हैं देन वी हैव स्पेशली स्पेशली एक्वायर जो हमें धार्मिक नीतियां बताते हैं रिगार्डिंग जहांगीर एंड फ्रांसिस्को जो स्पेशली हमें बताते हैं औरंगजेब के बारे में सो ऑफ फॉलोइंग हियर इज करेक्ट चलो सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यूर राइट इसमें एलिमिनेशन करके भी देखते हैं सो आई थिंक वी हैव ज्योति सचिन चलो कुछ लोग अब आंसर ठीक दे रहे हैं सो विच ऑफ फॉलोइंग हियर इज करेक्ट बी ओके सो प्रिंसी गीता सरिता विधि सूरज ओके okay. so, uh, तो चलो आई थिंक मोस्ट ऑफ करेक्ट एंड जल्दी से देखते हैं ट्रेवलर जो कि स्पेशली डिस्क्राइब करते हैं बॉम्बे और सूरत के बारे में एंड दी राइज ऑफ शिवाजी दिस इज एप्सोलूटली रॉन्ग क्योंकि ये इंटरचेंज है ठीक है एंड जॉन फ्रायर जो है ये जहांगीर के बारे में बात नहीं करते ये दोनों इंटरचेंज है ठीक है हाउ एवर थ्री फोर फाइव बिल्कुल सही है सो करेक्ट आंसर बिकम्स बी थ्री फोर एंड फाइव आपको क्या करना है यहां से जो पार्ट आपका गलत हुआ है यू हैव टू री रिवाइज दैट एरिया ठीक है सो थॉमस स्पेशली हमें जहांगीर के कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जॉन फ्रायर मोस्टली बॉम्बे सूरत और शिवाजी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हाव ये तीन बिल्कुल सही है तो प्लीज इसको एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा ठीक है सो थॉमस क्रॉंट इंग्लिश ट्रैवलर जो डिस्क्राइब करते हैं जहांगीर के कैरेक्टर के बारे में जॉन फ्रायर वो ट्रैवलर है जो बॉम्बे सूरत और शिवाजी के बारे में स्पेशली बताते हैं रैल फिच हमें डिटेल देते हैं अबाउट दी सिटी ऑफ आगरा रुडो स्पेशली हमें एविडेंस देते हैं अकबर रिलीजियस पॉलिसी और जहांगीर के रेन एंड बेसिकली जोवानी फ्रांसिस्को स्पेशली हमें औरंगजेब की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं ठीक है सो so प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना है यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ क्योंकि ये सारे आपको या तो असर्शन रीजनिंग में आ जाएंगे और या आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में आ जाएंगे और इट विल कम लाइक अ वन लाइनर क्वेश्चन ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा सो so अगर ये सब एरियाज गलत हो रहे हैं सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनको थोड़ा सा एग्जाम के पहले रिविजन कर लो ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट

सो उल मुतेन ये बेसिकली लिखा है जहीर उदुरानी और ये स्पेशली बीजापुर के बारे में हमें एविडेंस देती है मोहम्मद नामा मोहम्मद नामा स्पेशली रिटन बाय गुलाम हुसैन ये हमें बंगाल के बारे में एविडेंस देती है ठीक है मीरात अहमदी इट इज रिटन बाय मीरात हैदर और ये स्पेशली हमें गुजरात के बारे में एविडेंस देती है तारीख रशीदी रिटन बाय अली मोहम्मद और ये हमें सिंध के बारे में एविडेंस देती है तो आपको दोनों चीज बतानी है यू हैव टू से पीपल एरिया

सो so, सीआर रूल मुर्तखरीन बीजापुर के बारे में आपको बताते हैं देन वी हैव मोहम्मद नामा देन वी हैव निराते अहमदी एंड तारीखे रशीदी सो कौन से हमारे राइटर्स हैं और किस एरिया के बारे में इन्होंने बताया सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट चलो लेट्स सी सो वी हैव प्रिंसी पूजा रीता विधि नमिता नाजिया अभी तक मुझे लगता है सारे लोगों ने

इन इसको लिखा है गुलाम हसैन ने और ये स्पेशली हमें बंगाल हिस्ट्री के बारे में बताती है फ्रॉम थर्टीन सेवनटीन थर्टी एट टू सेवनटीन एट्टी देन वी है तारीकी रशीदी जो कि मिर्जा हैदर द्वारा लिखी गई है ये हमें कश्मीर के बारे में बताती है देन वी है मोहम्मद नामा जो बीजापुर के बारे में बताती है रिटिन बाई जही बिन जोहरी एंडवीरा रि अली मोहम्मद खान जो स्पेशली हमें गुजरात के बारे में बताती अब इसको दो तरीके से दे सकते हैं okay, आपको स्पेशली असर्शन रेजनिंग में कुछ आ जाएगा ठीक है तो इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एरिया अगर पढ़ते वक्त आपने इसको कहीं मिस कर दिया ठीक है ना मूविंग टू द नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू बर्नियर एंड बर्नियर की ऑब्जर्वेशन कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट One of the fundamental difference between Mughal India and Europe was the lack of private property in the former. Bernier describes Indian society as undifferentiated masses of impoverished people, subjugated by a small minority of rich, powerful class. Bernier did not provide the evidence of imperial karkhanas like other travelers. He felt that artisans had no incentive to improve the quality of manufacturing. So, correct? तो जब हम बर्नियर के बारे में बात करते हैं और जब हम बर्नियर की ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं विच ऑफ दियर इज एपसोलूटली करेक्ट चलो देखते हैं अब इसको हम लोग हिंदी में भी देखते हैं चलो सो so, मुगल भारत में स्पेशली और यूरोप के बीच में वो कहते हैं कि दोनों में एक अंतर यह कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुगल इंडिया में नहीं है कंपेयर टू व्हाट जो बाकी जगह पे देखते हैं बर्नियर स्पेशली कहता है कि भारत समाज में गरीब लोगों की जनता काफी युक्त है एंड देन इज क्लास शक्तिशाली क्लास है कंपेयर टू अदर ट्रेवलर प्लस एट द सेम टाइम बर्नियर का मानना था कि जो आपकी आर्टिस्ट हैं उनको कोई प्रोत्साहन नहीं है Hence, वो कुछ कर नहीं रहे हैं और ज्यादा मुनाफा नहीं लेना चाह रहे हैं सो विच इज करेक्ट Chalo, I think everybody has given the right answer here. सो करेक्ट आंसर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो बर्नियर कहते हैं कि मुगल इंडिया और यूरोप में है कि प्राइवेट है, है कॉन्सेप्ट नहीं है तो लोग क्या करते हैं ना अपनी लैंड को ठीक करने की कोशिश नहीं करते फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा खुद की जमीन है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी आई विल यू विल ट्राई टू यू नो डू एवरी बट अगर आपको पता है कि यार ये मेरा खुद का लैंड नहीं है तो वो जो एक इंसेंटिव होता है ना चीजों को करने का वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है उसके लाभ इन्होंने बोला कि हाँ हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में देर आर पीपल एंड देर आर रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास बर्नियर एक लौते ऐसे थे जो कारखाना के बारे में काफी डिटेल्ड एविडेंस देते हैं सो so एब्सोल्युटली हमारा गलत हो गया आप इससे एलिमिनेशन कर सकते हो जहां जहां पे थ्री है यू कैन जस्ट कट इट स्पेसिफिकली एंड दिस बिकम्स द राइट आंसर वन टू एंड फोर ठीक है और इन्होंने ये भी कहा कि भाई आर्टिस के पास ना कुछ इंसेंटिव नहीं है तो वो कुछ इंप्रूव ही नहीं कर रहे अगर आपको पता है कि यार मैं ये करूंगा या इतना टारगेट में रीच करूंगा तो मुझको इतने पैसे मिलेंगे तो पीपल विल डू मच मोर तो इनके हिसाब से आर्टिसन को स्पेशली वैसा कुछ इंसेंटिव नहीं दिया गया है अब बर्नियर के बारे में काफी कॉमन सी क्वेश्चन है स्पेशली याद रखना स्पेशली बर्नियर इंडिया में 12 साल से रह चुके हैं 1656 टू 1668 एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है किसके साथ ये थे तो यू हैव टू रिमेंबर दारो शिखो के साथ शाहजहां के साथ उसके बाद रिमेंबर दनिशमंद खान के साथ ठीक है इनके साथ ही एसोसिएट रह चुके हैं दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बर्नियर जब ट्रैवल करते हैं और जब इन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट्स दिए थे तो वो हमेशा क्या करते हैं कि जो भी चीज वो मुगल इंडिया में देखते थे या जो भी चीज वो इंडिया में देखते थे वो हमेशा उसको यूरोप के साथ कंपेयर करते थे इन्होंने अपनी राइटिंग्स डेडिकेट की है लुई द दिन को स्पेशली जो उस समय राजा हुआ करते थे फ्रांस के और बहुत सारे ऐसे लेटर्स हो गए इन फॉर्म ऑफ यू नो जो इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स को इन्होंने डेडिकेट किया है तो सबसे इंटरेस्टिंग किया है जो मुगल इंडिया में देखते हैं वो यूरोप के

जो चीजें आप उपजा रहे हो वो कम होगी इंक्लिनेशन नहीं रहेगा कहीं ना कहीं तो पूरी पूरी तो चीज में नहीं होता है दिखती है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी ठीक है और इन्होंने ये भी बोला कि भाई जो कारीगर है उनको भी कोई इंसेंटिव नहीं है तो चीजों को इंप्रूव करना क्वालिटी इंप्रूव करना ये सारी चीजें नहीं है क्योंकि जितना भी प्रॉफिट है वो स्टेट ले लेता है तो अगर आप ऐसे कमा रहे हो और वो कोई और ले ले रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इंक्लिनेशन ही नहीं होगा तो इन चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से वो स्पेशली डिस्क्राइब करते हैं इसको एक दो लाइन में पढ़ लीजिएगा फॉर एनी कॉम्प्रीहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आजकल सिटीज टाउन्स शिप बिल्डिंग पे काफी क्वेश्चन आ रहा है विथ रेफरेंस टू बहुत सारे टाउन्स जो कि डेवलप हुए हैं मुगल इंडिया में कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है तो यहाँ पे चार नाम आपको याद रखने हैं स्पेशली ठीक है ये कोशिश करनी है और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है ठीक है चलो अब मॉन्सरेट कहते हैं कि भाई आगरा फतेहपुर सिक्री लंडन से भी ज्यादा बड़ा था रैल फिच कहते हैं कि भाई लाहौर वॉज सेकेंड टू नॉन अदर देन सिटीज इन यूरोप ठीक है बर्नियर कहते हैं कि भाई दिल्ली वाज नॉट लेस देन पेरिस एंड लाहौर दिल्ली से भी ज्यादा बड़ा था कुछ टाउन सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक सेंटर नहीं थे बट वो मेजर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर के सेंटर्स के तौर पर डेवलप होते थे सो विच ऑफ दब्सोल्यूटली करेक्ट अब हर वो क्वेश्चन जो आज आप सेशन में कर रहे हो ये सारे क्वेश्चन और ये सारे पेपर में काफी है। तो अगर आप इन क्वेश्चन से भाग रहे हो तो फ्रॉम कहीं ना कहीं आपका रोकते हैं। जो आपको हमेशा आता, जो आपका सिलेक्शन नहीं करा रहे सो डोंट बी स्केयर ऑफ दीज क्वेश्चन क्योंकि अभी भी पंद्रह दिन है अगर मुझे पता है पेपर में आता है ट्रेंडिंग है गलत होता है तो आप इसको ध्यान से करके जाइए कि ये क्वेश्चन फिर से चैलेंज ना बने ठीक है सो विच ऑफ दी फॉलोइंग हियर इज करेक्ट चलो कौन बताएगा सो वी हैव मनिक मनोज एडवीना अर्पिता नमिता सबोल निशी कुछ लोग सही हैं, कुछ लोग गलत हैं। सो विच ऑफ दी फॉलोइंग हियर इज करेक्ट आई थिंक अभी तक नमिता सुबोज खुश गीता ने सही जवाब दिया है

टॉपिक ऑलवेज कम्स ठीक है अब जल्दी से देखते हैं कि किसने क्या बोला है राल फिच कहते हैं कि भाई आगरा और फतेहपुर सिकरी लंदन से भी ज्यादा बड़ा था एंड इट वाज वन ऑफ एंड लंदन जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स इन यूरोप था आगरा फतेहपुर सिकरी उससे भी ज्यादा बड़ा है ठीक है मॉन्सर्ट कहते हैं जो अकबर की कोर्ट में आते हैं कि भाई जो लाहौर है इट वाज सेकंड टू नन ऑफ दी सिटीज इन यूरोप एंड ये कहते हैं कि भाई जो आगरा है इट वाज डबल्ड इन साइज डूरिंग दी सेवनटीन सेंचुरी बर्नियर कहते हैं कि सेवनटीन शताब्दी के टाइम पीरियड में दिल्ली जो था ये पेरिस से लेस नहीं था एंड आगरा वॉज बिगर देन डेली थोड़ा सा आपको ना इसमें सिटीज के नाम याद रखने क्योंकि वो क्या करेंगे वो या तो ट्रेवलर का नाम चेंज कर देंगे और वो सिटीज के नाम में इंटरचेंज कर देंगे तो थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा एलिमिनेशन करना बट इसको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड अहमदनगर एंड बुरहनपुर इन वेस्ट मुल्तान इन दी नॉर्थ वेस्ट पटना राजमहल ढाका इन दी ईस्ट ये सारे बहुत ही बड़े शहर बन चुके थे सो मच सो कि अहमदाबाद कहा जाता था इट वॉज एज लार्ज एज लंडन सो प्लीज इसको देख लेना एंड मोस्टली जब हम ट्रेड की बात करते हैं बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे जो प्रशासनिक टाउन तो थे प्लस साथ में ट्रेडिंग टाउन्स भी थे ठीक है सो so प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा अगर ये गलत है क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहां से मल्टीपल क्वेश्चन बन चुका है ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है सो आजकल पेंटिंग काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है पेपर में सो विच इज करेक्ट ठीक है तीरा सुजनपुर स्पेशली वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेटर्नेज ऑफ वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर एंड ये जो सेंटर है ये राजा संसार चंद के पेट्रोनेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका था कांगरा फेज का जो अर्ली पेंटिंग फेस था उसके एविडेंस हमें अलमपुर से मिलता है एट द सेम टाइम कांगरा स्कूल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के जो आप देखते हो स्टाइल इट इज़ दैट डेलीकेसी काफ़ी ज्यादा ब्रिलियंट कलर्स यूज हुए हैं आप देखोगे छोटे छोटे डिटेल्स पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है यह इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था एंड मोस्ट थीम जो कांगड़ा पेंटिंग का था इट वॉज भानुदत्त। तो जब स्पेशली हम कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है अगेन अगर आपने रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग नहीं किया और मुगल पेंटिंग नहीं किया है तो यहां से फटाफट से, से सेशन में रिवाइज कर लेना ठीक है चलो सो विच ऑफ दर इज करेक्ट Yes, हर वो क्वेश्चन जो आप इस सेशन में कर रहे हो दीज टॉपिकल्टीपल टाइम्स कम इन दी प्रीवियस इज वाई आई सेट अगर ये गलत हो रहा है तो आपको रिविजन कर लेना है क्योंकि अगर आप इन एरिया से भाग रहे हो तो ये आपके सिलेबस से ही है बेसिक बुक से ही है तो भागना इज नॉट द सोल्यूशन रादर जस्ट लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैंने आपको काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है आप बाद में जाकर डाउनलोड करके उसको पढ़ लेना ठीक है सो विच ऑफ दॉलोइंगेक्ट चलो देखते हैं सो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है अर्ली फेज हमें मिलता है में उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है छोटे छोटे डेकोरेशन पे ध्यान देना सजावटी चीजों पे ध्यान देना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग इज बेसिकली मंजरी सो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये मनिक और सो विच ऑफ करेक्ट

पेट्रोनेज करते हैं एंड कहीं ना कहीं जब ये पेट्रोनेज दे रहे थे तो इनके टाइम पीरियड में ना आप देखोगे अपने कोटियर्स के आसपास बैठे हुए ये सारी चीजें भी हमें पेंटिंग में दिखाती थी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इट इज भागवत पुराण देन वी हैव गीता गोविंदा नालंदा दमावती बिहारी सत्यसाई रागमाला एंड बरमसा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो आपको ये स्कूल में देखने को मिलेगा एंड सबसे इंटरेस्टिंग कोर्टली सीन्स आप देखोगे संसार चंद बैठे उनका कोट है रिवर साइड है, है, है टेंट लगे हुए सारी चीज आपको स्पेशली पेंटिंग में दिखने को मिल जाएगा एंड वन ऑफ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज जो स्पेशली आप देखोगे इस स्कूल से शुरुआत होती है इज एक्सैक्ट ब्यूटिफुल ज्योमेट्रिकल डिपिक्शन जैसे अगर फीमेल है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीमेल की बात कर रहे तो हो तो कहाँ पे फोर हेड होगा कहाँ पे नाक होगी कहाँ पे लिप्स होगा ये जो एग्जैक्ट ज्योमेट्री है दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंसेज वन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रॉपर ज्योमेट्रिकल एनोटेशन जो हमें यहीं से इस स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है एंड उसके अलावा वो लोग जो ये पेंटिंग के साथ एसोसिएटेड है फटू पुखारू एंड खुशाला इनके नाम याद कर लीजिएगा एंड दूसरा स्पेशली जब हम बशोली पेंटिंग की बात करते हैं

फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल सैल्यूटेशन जहां पेटियर अपना पाम प्लेस करते हैं का सैल्यूटेशन होता है जहां पे यू प्लेस द बैक ऑफ योर राइट हैंड ऑन द ग्राउंड रेज इट जेंटली टिल दर्सन स्टैंड इरेक्ट वेन ही पुट्स द पाम ऑफ हिज हैंड अपॉन द क्राउन ऑफ हिज हेड

कौन से टर्म्स हो गए जो जनरली मुगल इंडिया में यूज करते हैं और किसका कौन सा सही मतलब है? सो so, आजकल पेपर में यू विल सी दीज क्वेश्चन वेरी वेरी कॉमन सो कॉर्निश ताहर तस्लीम देन वी हैव तस्वीज़ एंड बेसिकली सिंक्रोनिक अकाउंट सो विच ऑफ करेक्ट चलो किसका कितना स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो हो रही उसको सॉल्व करना है और सारे क्वेश्चन के हिसाब से हैं सो डोंट ट्राई टू यू नो डू अननेसेसरी क्वेश्चन जो थोड़े लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ताकि पंद्रह दिन पहले यू स्टिल गेट टू नो वट्स रॉक चलो सो मनी प्रिंसी अजहर ओके अर्पिता चलो तो इज करेक्ट एंड आई थिंक कुछ लोग सही है कुछ लोग गलत है बट इसको आराम से पढ़ लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है इसमें एक्चुअली जो गलत है वो फोर है क्योंकि बेसिकली जो हमारा डाइक्रोनिक अकाउंट होता है ये अकाउंट स्पेशली हमें बताता है फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन के बारे में एक सिचुएशन एक सीन क्या चल रहा है और वहीं पे जो सिंक्रोनिक अकाउंट होता है ये स्पेशली हमें डिटेल्स देता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अबाउट अदर थिंग्स तो ये इंटरचेंज है इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लेना ठीक है? डायक्रोनिक अकाउंट स्पेशली हमें ओवर टाइम एविडेंसिस देता है एंड सिंक्रोनिक अकाउंट स्पेशली हमें एक सिचुएशन के बारे में एविडेंस देती है तो ये इंटरचेंज है तो इसको प्लीज याद रख लीजिएगा बस इसमें यही गलत है सो डू नॉट वरी इसको बस याद कर लेना सिंक्रोनिक अकाउंट ट्रेसिस डेवलपमेंट ओवर टाइम ये गलत है ये जनरली वन सिचुएशन कोई एक सिचुएशन कोई एक टाइम पीरियड एक मोमेंट के बारे में बताता है ठीक है वहीं पे जो डाइक्रॉनिक है ये एक के बारे में नहीं बट इट टेल्स यू डेवलपमेंट्स जो कि पूरे टाइम पीरियड में हो रहे हैं जो मल्टीपल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये इंटरचेंज है बाकी ये तीन बिल्कुल सही है तजवीज़ वो पेटिशन होता है जो नोबल मैन एम्पर को देते हैं कि आप इनको मनसबदार बता दो और कॉर्निश और चाहत तस्लीम ये इंपॉर्टेंट सैल्यूटेशन के तरीके जो जनरली हम मुगल इंडिया में पढ़ते हैं ठीक है चलो सो मूविंग फॉरवर्ड देखो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो बट यहीं पे आपको थोड़ा रीड करना है प्रॉपरली कि यू डू नॉट गेट कंफ्यूज ओके नेक्स्ट नंबर सेवन रेफरेंस टू जहांगीर कौन सी स्टेटमेंट है जो जो सही है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक अभी आपका हो जाना चाहिए जहांगीर इन दरबार जहांगीर नामा में एक पेंटिंग है जो सैयद अली एंड अब्दुल असमाद ने बनाया जहांगीर ड्रीम बाय अबुल हसन स्पेशली हमें एविडेंस देता है जहां पे जहांगीर सपना देखते हैं कि स्पाइस ने स्पेशली सिटी ऑफ काइमर पे अटैक कर दिया है ठीक है मेडोना एंड चाइल्ड ज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग जो स्पेशली हमें जहांगीर के टाइम पे मिलता है जो नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रेटिक डिपिक्शन देता है ठीक है एंड इन पेंटिंग जहांगीर ऑन दर ग्लास इस पेंटिंग में आप देखोगे एक कोर्ट पोइट है ये आपको पेंटिंग के राइट हैंड कॉर्नर में दिखते हैं जहां पे आपको देखिएगा की एक पेंटिंग पकड़ के राजा को दे रहे हैं सो so, जब हम जहांगीर के टाइम पे बात करते हैं और ये पेंटिंग के बारे में बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है या गलत है सो विच इज करेक्ट जहांगीर नामा से दरबार में जहांगीर स्पेशली ये पेंटिंग सैयद अली और अब्दुल्ला समाद ने बनाया है अबुल हसन द्वारा जहांगीर का सपना यहाँ पे जहांगीर सपना देखते हैं कि स्पाइस ने कायमर को अटैक कर दिया है एंड चाइल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो हमें जहांगीर के टाइम पीरियड में दिखती है एंड स्पेशली जहांगीर इन एन आर ग्लास इस पेंटिंग में आप देखोगे जो चित्रकार विचित्र है वो साइड में राइट हैंड कॉर्नर में और जहांगीर को पेंटिंग दे रहे हैं सो विथ रेफरेंस टू जहांगीर पेंटिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है अब ये देखते हैं कितने लोगों का सही हो रहा है क्योंकि अगर ये गलत हो रहा है फिर आपने मुगल इंडिया का पूरा जो पेंटिंग्स है वो आपने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है एंड दैट इज नॉट गुड फिफ्टीन डेज बिफोर सो प्लीज प्लीज आइडेंटिफाई क्या गलत हो रहा है ताकि आप उनपे हार्ड कर सको चलो सो लेट सी हू हैज डन इट राइट अभी तक किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है

कि भाई जो स्पाइज़ है इन्होंने इस पूरे के पूरे सिटी को अटैक कर दिया तो ये हमजा नामा में ये जहांगीर का जो ड्रीम है उसकी पेंटिंग नहीं है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अगर आप देखोगे तो इस पेंटिंग में ना किसी का सीधा शकल नहीं दिख रहा है सबका थ्री फोर्थ ऑफ दी शकल दिख रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पेंटिंग में आप देखोगे बहुत ही अच्छी तरीके से पेंटिंग्स को क्या हुआ ये नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रेट को काफी अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है फ्लोर जो कैनपीज हो गए जो फ्लोर हो गए ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है मोस्टली जो पर्शियन सोर्सेज जो ये रॉक्स हो गया जो पर्शियन सोर्सेज से ली गई है जो ट्रीज आपको दिख रहे हैं जो आपको यहाँ यहाँ के क्रीपर्स दिख रहे हैं ये मोस्टली इंडियन सोर्स से ली गई है येलो रेड और ब्राउन कलर से तो ये हमजा नामा में आपको दिखता है कि भाई जो स्पाइस है इन्होंने स्पेशली ये सिटी को अटैक कर दिया है ना मूविंग टू जहांगीर इन दरबार फ्रॉम जहांगीरनामा आपको दिख रहा है जहांगीर दरबार में जहांगीरनामा में ये पेंटिंग अब्बुल हसन एंड मनोहर ने पेंट किया है अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे सो यू विल बी सी एक तो काफी अच्छे से आप देखोगे जो लोग कोर्ट में रहते हैं ठीक तो है तो फर्स्टली यू विल सी यहाँ पे खुर्रम खड़े हैं उनके सन शूजा खड़े जो कोटियाज हैं वो रैंक के हिसाब से काफी अच्छी तरीके से लाइन में खड़े हैं अकॉर्डिंग टू देर रैंक अकॉर्डिंग टू दैट इसके अलावा जो फादर कॉर्सी है वो भी आपको स्पेशली इस इमेज में देखने को मिलेंगे एलिफेंट हैं घोड़े हैं आपको इस तरीके का रॉयल दरबार दिखाने को मिल रहा है एलिफेंट हॉर्स स्पेशली आपको सेरेमनी में दिख रहे हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे यू विल सी द पिलर्स द कैनपीज ये हर चीज को स्पेशली दिखाया गया है सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो स्पेशली आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा दूसरा दूसरा जहांगीर ड्रीम जो आप सबने देखा था जहांगीर का सपना ये नहीं था कि स्पाइस अटैक करें जहांगीर का सपना ये था जो आपने कई बार ये पेंटिंग को देखा होगा कि भाई इन्होंने सपने में देखा था कि शाह अब्बास इनके सपने में आए थे जो उस समय इनके राइवल थे आप इन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छा संकेत है तो इन्होंने इस चीज को पेंटिंग के फॉर्म में डिपिक्ट कराया एंड अब्बुल हसन जो है इन्होंने स्पेशली इस पेंटिंग को बनाया अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस पेंटिंग में जहांगीर ने क्या किया सी दिस पेंटिंग यहाँ पे यू विल सी ये खड़े हैं लायन के ऊपर ठीक है समाद खड़े शीप के ऊपर तो यहाँ पे वो अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं सपना आया था एंड शाह आप देखो वालेबल लग रहे हैं पेल लग रहे हैं वहीं पे जहांगीर इज लुकिंग सो यू नो पावरफुल भाई वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरी की पूरी चीजों को राजा ग्लोब पे खड़े अगेन जो एक तरीके का आपको डोमिनेशन दिखा रहे हैं ये हेलोनेस जो आपको स्पेशली दिख रही है ये आपको जो एंजल्स दिख रहे हैं ये सब स्पेशली यूरोपियन पेनिट्रेशन है पेंटिंग में जो जनरली आपको देख ने को मिलता है ठीक है सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये जहांगीर का सपना था कि शाह अब्बास सपने में आए थे जिसको इन्होंने उस तरीके से डिपिक किया कि वो लाइन पे खड़े हैं मतलब पावरफुल वो शीप पे खड़े हैं मतलब डोसाइड तो इनका डोमिनेशन स्पेशली वो दिखा रहे हैं और यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस आपको इस पेंटिंग में देखने को मिलता है ठीक है देन जहांगीर ऑन एन आर ग्लास अगेन देखो आपको यहाँ पे यूरोपियन एविडेंसेस दिखेंगे यू विल सी स्पेशली राइटिंग पर्शियन कैलिग्राफी है ऊपर एंड नीचे एंड यहीं पे आपको ये पेंटर दिखेंगे विचित्र जो इनको स्पेशली बुक जो है अपनी पेंटिंग जो है वो स्थापित कर रहे ऑन दी अदर हैंड यहां पे आपको बाकी ट्रेवलर्स और ट्रेडर्स भी स्पेशली दिखेंगे तो जहांगीर इन एन आर ग्लास स्पेशली बाय विचित्र जो आपको दिख रहे हैं जो जहांगीर को ये पेंटिंग दे रहे हैं पर्शियन कैलिग्राफी यूरोपियन एविडेंसेज आपको स्पेशली देखने को मिलेगा एंड इस पोर्ट्रेट में जेम्स द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एट द सेम टाइम ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहांगीर स्पेशली आप देखोगे शेख सुल्तान को एक बुक भी ऑफर करते हैं ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स अगर आपने पढ़ते वक्त छोड़ा है तो प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है पेंटिंग से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है तो मेरे साथ आपने ऑलमोस्ट पांच पेंटिंग यहीं पर पे खत्म कर ली नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट दिथ रेफरेंस टू शालीमार बाग कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है सो लेट्स सी

सो मुगल गार्डन अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग्स आर्किटेक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो चलो फटाफट से इसको खत्म करते हैं सो विच इज द करेक्ट आंसर यो हिंदी में भी देख लेते हैं सो so, यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं अगर आपको इसमें से एक चीज ऐसी लगती है जो आपको लगता है नहीं होना चाहिए सो दिस इज अगेन अगर आपको ये नहीं आता होगा ना तो आप बस इसको लर्न कर लीजिएगा तो चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताइए रीता एब्सोल्युटली करेक्ट सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे डी है सारे स्टेटमेंट सही है तो प्लीज इनका नाम याद रख लीजिएगा जो स्पेशली इनके साथ एसोसिएटेड है एंड स्पेशली इनका जो चार बाग स्टाइल है जिसपे मोस्टली क्वेश्चन आता है ठीक है नाउ मूविंग टू नंबर नाइन रेफरेंस टू अकबर नामा एंड आईनी अकबरी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है अबुल फजल ने तीन वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी अकबर की रेन की जिसका नाम था अकबर नामा पहला वॉल्यूम डील करता है अकबर के एंसेस्टर्स से सेकंड वॉल्यूम मोस्टली अकबर के टाइम पे जो इवेंट्स हैं उससे डील करता है थर्ड वॉल्यूम आईनी अकबरी है जो अकबर के प्रशासन से डील करता है हाउस होल्ड आर्मी रेवेन्यू जोग्राफी से डील करता है आईने अकबरी जनरली हमें हर चीज के बारे में बताता है चाहे प्राइसेस हो क्रॉप्स हो बट कहीं ना कहीं ना वो कल्चर ट्रेडिशन सभ्यता इनके बारे में नहीं बताता है सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर करेक्ट चलो सो रिगार्डिंग अकबर नाम एंड आईने अकबरी एवरीबडी विच ऑफ फॉलोइंग हियर इज करेक्ट फ़ज़ल रोड थ्री वॉल्यूम हिस्ट्री एंड स्पेशली बार जो पहला खंड है वो अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता है तीसरा खंड प्रशासन घर सेना राजस्व और साम्राज्य के बारे में बताता है आईने अकबर ये स्पेशली हमें डिटेल्ड एविडेंस देता है हर चीज के बारे में रेवेन्यू क्रॉप ईल्स बट कहीं ना कहीं सभ्यता और परंपराओं के बारे में नहीं बताता है सो विच इज एपोल्यूटली करेक्ट चलो सो इसरत नमिता देन वी हैव रीता काजल विधि बिना टाइम वेस्ट के बिल्कुल सही है सो दी करेक्ट आंसर हियर इज ए अबुल फजल रोड थ्री वॉल्यूम हिस्ट्री अकबरनामा पहली वॉल्यूम विद अकबर वॉल सेकेंड वॉल्यूम अकबर के टाइम पीरियड में क्या क्या चल रहा था थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी जो आप प्लीज याद रख लेना जो हाउस होल्ड आर्मी रेवेन्यू जोग्राफी के बारे में बता रहा है फोर्थ पार्ट इज आईने अकबरी जो हमें क्रॉप इल रेवेन्यू के बारे में तो बता रहा है बट ये कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में भी बता रहे हैं ठीक है थीके? तो ये गलत हो गया वन टू थ्री बिकम्स द राइट आंसर हियर जनरली ये देखो आप दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक पिक्चर जहां पर ये स्पेशली उनको ये बुक प्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है सो so, प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा सो फाइनली थ्री वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर पहला अकबर के एनसिस्टर्स दूसरा अकबर के टाइम पीरियड में इवेंट्स थर्ड आईनी अकबरी जो प्रशासन हाउस होल्ड आर्मी रेवेन्यू से डील कर रहा था जोग्राफी से डील कर रहा था फॉर एनी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ठीक है एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज आईनी अकबरी जो आपको तनख्वाह किसको कितना रेवेन्यू मिलता था क्या प्राइजेस था कितना क्रॉप होता था कितने ईल्ड होते थे इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड एविडेंस देता था ठीक है

पीपल हैं लो स्टैंडिंग के मोस्टली वो नेकेड थे डाल यार्ड स्पेशली कहते हैं कि भाई टूवर्ड्स दिक्कस बनारस में पीपल क्लोथ ये कहते हैं कि जो लेबर्स हैं देड इन सफिशेंट क्लोदिंग टू कीपम सेल्व एंड निकेतन कहते हैं कि भाई विंटर्स के टाइम पीरियड में विच इज आर मे दैन वेयर क्विटेड गाउन एंड क्विल्टेड कैप्स सो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में इस एरिया से भर भर के क्वेश्चन निकल चुके हैं सो विच इज करेक्ट चलो सो मनी कैन आई थिंक पद्मिनी प्रिं चलो बिल्कुल सही है सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लीजिए सो so बाबर देन वी हैव स्पेशली किसने किसने क्या क्या बोला है हमारे ड्रेसिंग सेंस के बारे में हमारे सोसाइटी के बारे में टेक्निकली एक तरीके का सोशल डिफरेंसिएशन आपको दिखा रहे हैं कि देखो भाई राजा उनके कोर्टियर्स उनकी नोबिलिटी तो कितने अच्छे से रहते थे बट जो कॉमन पीपल है वो ऑर्डनरी पीपल है उनकी कंडीशन कितनी ज्यादा अपॉल्ड है एंड आई थिंक एवरीबडी हियर इज करेक्ट करेक्ट आंसर हियर इज सी क्योंकि सिर्फ बाबर वाली स्टेटमेंट सही है बाकी ये सब इंटरचेंज है मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है ठीक है बाबर स्पेशली सेट कि लोग काफी कम कपड़े पहनते थे स्पेशली ऑर्डिनरी पीपल कहीं ना कहीं पीपल वेंट नेकेड ही जो इंडिया थे, वो कहते थे कि बनारस में पीपल वेंट नेकेड एंड अगेन दे हैड लिटल क्लोथ्स डाल स्पेशली कहते थे इन दिन विच इज आ मे मैन वेयर क्विंटेड गाउन एंड निकेतन कहते थे कि पीपल ऑफ डेकिन व फुटेड, so, ये सारे के अकाउंट्स आपको इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बता रहे जनरली वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी द लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिच एंड ऑर्डनरी मैन एंड पुअर अब यही आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में आ जाएगा तो थोड़ा सा पेपर में ध्यान देना है और पढ़ते वक्त आई थिंक अगर आपने ये क्लास ठीक से कर ली और अगर आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए कहीं ना कहीं जो थोड़े गैप्स आपके प्रेपरेशन में थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगी एंड मोरऑल आपका मुगल पीरियड अच्छे खासा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो विद दिस लेट्स मूव टू नंबर दिसवन ये किसने बोला है सो so ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस काफी आ रहे हैं आप तीन सात पैसेजेस कर लेते हैं ठीक है वेन एवर द मेजेस्टी होल्ड दरबार तो टेक्निकली एक दरबार का सीन है आप देखोगे पेपर में आपको ये पूरा का पूरा पैसेज आता है तो अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो जनरली एक दरबार का सीन है तो किसने बोला है स्पेशली और किसके दरबार का ये जिक्र है वेन एवर द मेजिस्टी होल्स दरबार काफी बड़े बड़े ड्रम थे जिसको पीटा जाता था साउंड डिवाइन प्रेजेस थे मोस्टली यू विल सी ठीक है हिज मेजेस्टी सन ग्रैंड सन ग्रैंडीज ऑफ द कोर्ट सारे मैन स्पेशली आते थे सब कॉर्निश करते थे ठीक है ये सब अलग अलग जगह पे खड़े थे लर्नड मैन जो थे वो आते थे स्पेशली रिस्पेक्ट पे करते थे ठीक है सारे ऑफिसर्स आते थे रिस्पेक्ट पे करते थे राजा अपना ऑर्डर्स देते थे तो ये ना एक कोर्ट का सीन है कि किस तरीके से क्या होता था जगलर्स हैं ये ये सारे लोग लोग आ रहे रहे हैं हैं सब गाना गा तो ये जो आलिशान कोर्ट का सीन है ये किसने बोला और किसके कोर्ट के बारे में बात हो रही है इनायत खान शाहजहां अबुल फजल अकबर अबुल अमिद लाहौरी शाहजहां या अबुल हसन जहांगीर सो so ये जो शानदार दरबार का सीन है कि राजा एक आलिशान दरबार लेके आए हैं एंड सारे लोग आ रहे हैं सारे लोग इनका ध्यान रख रहे हैं सारे लोग उनको प्रेस कर रहे हैं देन उनकी प्रशासनिक प्रतिक्रिया के बारे में एविडेंसेस हैं सो so किसके बारे में बात कर रहे हैं सो so, किसकी दरबार है आई थिंक मोस्ट ऑफ योर एब्सलूटली करेक्ट तो चलो वेरी वेरी गुड ये सब क्वेश्चन ही गलत होते हैं ये स्पेशली अबुल फजल ने बोला है ये जो पूरा का पूरा दरबार का सीन है ये शाही अकबर का दरबार है जिसके बारे में उन्होंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है अब इसी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं ठीक है ये नोबिलिटी पे एक पूरा का पूरा पैसेज है ये किसने बोला है तो पेपर में यही क्वेश्चन हैं जो गलत होते हैं तो टेक्निकली इसमें बोला क्या जा रहा है कभी भी पेपर में इतना बड़ा पैसेज आता है यू डू नॉट हैव टू बी एकदम टेंशन में कि यार इतना बड़ा पैसेज आ गया है कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है so सो यहाँ पे स्पेशली ये बोला गया है कि भाई ये जो नोबिलिटी के बारे में एक तरीके का पैसेज है कि सारे रेसेस के सारे ग्रुप के सारे क्लास के सारे सोसाइटी के जो लोग हैं वो स्पेशली इस राजा के नोबिलिटी में थे अलग अलग मनसब हंड्रेड मनसब से लेके थाउजेंड जत से लेके लैंड से लेके सारे जगह पे फ्रॉम कर्नाटका टू बंगाल टू असम टू उदयपुर टू टिबेट ये सारे लोग स्पेशली इनके कोर्ट में मौजूद थे तो कौन सा राइटर है और कौन सा रूलर है सो विच इज करेक्ट अब इसमें ये एक रैपिड फायर है ठीक है तो इसमें स्पेशली मैंने आपको एक रैपिड फायर क्वेश्चन दिया है सो विच ऑफ करेक्ट अगेन अकबर ओके जनरली नोबिलिटी का इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा दिस स्पेशली ये जो आप यहाँ पे राइटिंग देख रहे हो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकबर के टाइम का नहीं चलो मैंने इतना हिंट दे दिया ओके, पैसेज इज स्पेश रिटर्न बाय चंद्रभान बारामान और ये जो है ना ये नोबिलिटी के टाइम पे बताते हैं और ये पैसेज शाहजहां के टाइम पीरियड को स्पेशली डिपिक्ट कर रहा है ठीक है तो हर चीज का आंसर अकबर नहीं है देर आर अदर रूलर्स एज वेल और ये नोबिलिटी उनके टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है अब ये किसने लिखा है the written अब जैसे हम कैसे कभी-कभी शब्द बोल देते हैं एंड देन वी रियलाइज कि यार ये बोलना नहीं चाहिए था तो ये जो पैसेज है ना किसने बोला है वर्ड्स के बारे में द राइटर वर्ड में एंबॉडी द विजडम एंड में बिकम मींस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस जो भी आपने शब्द बोले हैं वो स्पेशली गोस टू द हार्ट जो प्रेजेंट है वो सुन सकता है रिटन वर्ड्स गिव्स विजडम तो ये किसने बोलने चाल बोल चाल और राइटिंग के बारे में ये किसने लिखा है

ठीक so है कोई बात नहीं तो चलो ये जनरली जो भी आप देख रहे हो अगेन दिस हैज बीन रिटन बाय अबुल फजल अबुल फजल स्पेशली यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हम ना बोल जो बोलते हैं वो लोग तो भूल जाते हैं सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रिटर्न हिस्ट्री हो एक रिटर्न अकाउंट हो जो आगे इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को आगे बढ़ा सकता है ठीक है ना मूविंग फॉरवर्ड ये ये किसने लिखा है ड्रॉइंग द लाइक तस्वीर के बारे में ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था ड्रॉइंग द लाइकलीनेस ऑफ एनीथिंग हर किसी भी चीज को अगर हमने सिमिलर बना दिया तो वो तस्वीर है तो एक तरीके की तस्वीर मेकिंग के बारे में स्पेशली यहाँ पे बात की गई है तो ये पूरा का पूरा पैसेज किस राइटर ने बताया

ये तो कुछ एक्स्ट्रा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको जनरली करा रही हूँ ठीक है क्योंकि ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है हमारे पास ठीक है सो अगेन ये जो पैसेज है ये भी स्पेशली अबुल फजल का लिखा गया है जहाँ पे वो स्पेशली फोकस कर रहे हैं पेंटिंग के बारे में प्रोसेस ऑफ पेंटिंग के बारे में कि तस्वीर क्या होती है किस तरीके से पेंटर्स को राजा पेट्रोनाइज करते थे किस तरीके से जो अच्छा पेंटिंग बनाता था उनको इंसेंटिव भी मिलता था ठीक है ना मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ये लास्ट फिर विल मूव टू द क्वेश्चन ये किसने लिखा है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन इसमें एक हिंट भी है कि भाई मेरे असेसमेंट के बाद मैंने ऑर्डर दिया था फॉर फास्टनिंग ऑफ द चेन ऑफ जस्टिस ताकि जिनको भी प्रॉब्लम है जिनको भी चीजों में डिले हो रहा है ये सारे लोग जो जस्टिस सीख कर रहे हैं वो मेरे पास आ सकते हैं ये चेन बना था प्योर गोल्ड का थर्टी गज का इन लेंथ एंड इट हैड सिक्सटी बेल्स ये तो ईजी है यहां पे आपका हिंट चेन ऑफ जस्टिस है तो चेन ऑफ जस्टिस किसके टाइम पीरियड में था जहांगीर सो so यू you नो know, कि ये स्पेशली जहांगीर के और ये जहांगीर ने अपने मेमोर में, में, में खुद लिखा है और इसको स्ट्रेट अवे डिस्क्राइब किया है ठीक है चलो

रेफरेंस टू मनसरदारी सिस्टम बड़ा सा क्वेश्चन चलो सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सारे ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही है सो मनसबदारी सिस्टम क्या है है मनसबदार मनसब रैंक रैंक तो टेक्निकली ये एक तरीके का है, जो आपका मनसबदारीसबीन्न डिफाइन करता है फॉर जैसे कंपनी में कैसे आप कंपनी में ग्रेडेशन देखते हो कि कोई प्रेसिडेंट है कोई वाइस प्रेसिडेंट है कोई मैनेजर है कोई एसोसिएट है तो इट इज अ टाइप ऑफ अ रैंकिंग सिस्टम कि भाई किसको कितना रैंक मिल रहा है इसी के बेसिस पे स्पेशली आप जनरली आपकी सैलरी हो गई आपकी जनरली मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई वो इसी पे डिवाइड होती है ना सो हायर द जत सो जत एंड सवा तो अगर आपका हाई है तो इसका मतलब ऑब्वियसली आप बहुत ही प्रेस्टीजियस पोजिशन में हो आपकी सैलरी बड़ी है सवार मतलब होता है कि कितने सारे कैवलरी मैन कितने सारे मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैवलरी मैन की आपके अंदर होगी एंड इट इज वेरी गुड मोस्टली मनसबदारों को लैंड दिया जाता था जागीर दिया जाता था बट बहुत सारे मनसबदार वहां पर रहते नहीं थे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां हो सकती हूँ मेरे को यहां पे जागीर मिला है तो मनसबदार मोस्टली कई बार मिडिल मैन को भेजते थे सारा पैसा कलेक्ट करने के लिए असाइनमेंट कलेक्ट करने के लिए जिसमें बाद में काफी काफी क्राइसिस मचने लगा क्योंकि अगर आप इधर हो और आप एक कोने में जा रहे हो किसी और को भेज रहे हो तो आपको उनको भी पैसा देना पड़ता था तो इन रिटर्न इट स्टार्टेड टू इनकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट जो इवेंचुअली जब हम मन, मनसबदारी क्राइसिस और जागीरदारी क्राइसिस देखते हैं तो इवेंचुअली इट लेड टू अ क्राइसिस ठीक है चलो नंबर टू थर्टीन रेफरेंस टू बादशाह या पादशाह कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है शाहजहां ऑनरिंग प्रिंस औरंगजेब एट आगरा बिफोर हिज वेडिंग ये पेंटिंग किया था प्रयाग ने और ये बादशाह नामा में है जहांगीर प्रेजेंटिंग प्रिंस खुर्रम ज्वेल ये भी एक सीन है बादशाह नामा में जो कि पेंट किया है आर्टिस्ट प्रयाग ने नवाब ऑफ अवध ने स्पेशली ये बादशाह नामा दिया है किंग जॉर्ज द थर्ड को सेवनटीन में नाइनटीन में पहली बार बादशाह नामा पेंटिंग जो है ये न्यू डेली वॉशिंगटन और लंडन में इसका एग्जीबिशन हुआ था सो विच ऑफ आर करेक्ट चलो सो इज करेक्ट एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर राइट ललिता बाद में अभी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना नहीं है वो ऑफिशियल बनेगा तो अगर आप टच में रहोगे तो आपको पता चल जाएगा फिलहाल यू हैव टू गो टू दी एप एंड डाउनलोड इट इवेंचुअली बहुत सारी चीजें विल बी देयर वी विल टेल यू अभी आपको ऐप आप पे जाना है ऐप पे जाके यू हैव टू एनरोल फॉर दी सार्थक बैच जितने भी हमारे क्लासेस में सबके पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे ठीक है सो दी करेक्ट आंसर इज़ ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा पहले तो ये सारे पेंटिंग जो यहां पे है स्पेशली एंड किसने किसको ये गिफ्ट दिया था थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है मोस्टली आपको पेपर में बहुत ही कॉमनली आता है ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आप ये क्यों जनरली जब हम मुगल पीरियड देखते हैं ना आप देखोगे अगर हम किसी को दे रहे हैं तो ये बहुत तरीके का डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन है कैसे देखते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं तो का ट्रेडिशन है, देना। इसी के तहत ऑफ अवध ने बादशाहनामा दिया था किंग जॉर्ज दर्ड को सेवनटीन में एंड बाद में नाइनटीन विल सी इसका कंजर्वेशन वर्क किया गया था एंड फॉर दर्स्ट एंड नाइनटीन में इसको डेली लंडन और वॉशिंगटन में इसका स्पेशली एग्जीबिशन किया गया था काफी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है मूविंग टू द नेक्स्ट काफी इजी सा क्वेश्चन है बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एवरीवन पोलाज परोती चाचर एंड बंजर कौन सी लैंड है जो एनुअली कल्टीवेट होती थी कौन सी लैंड है विच इज लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन देन वी हैव ओके

चलो सो विच इज करेक्ट सो प्लीज याद रखिएगा पोलाज वो लैंड हो गई जो स्पेशली कल्टिवेट होती थी एनुअली पर होती, which, which left, कि वो अपना टाइम बींग के लिए स्ट्रेंथ रिकवर कर ले देन वी है लैंड विच इज फॉर थ्री टू फोर ईयर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव होता था ये थ्री टू फोर ईयर एंड बंजर जमीन जो आपको पता है फाइव ईयर से ज्यादा अनकल्टिवेटेड है तो बंजर जमीन है वो ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट इसको प्लीज याद रख लेना आईनी अकबरी में स्पेशली कहा गया कि अकबर ने इस तरीके से लैंड को क्लासिफाई किया था पोलाज परौती चाचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट टू लैंड इंपॉर्टेंटली आर थ्री क्लासेस ऑफ लैंड गुड लैंड मिडिलिंग लैंड एंड बैड लैंड ठीक है सो so ये कोशिश करिएगा ये सारी चीजें आईनी अकबरी में लिखी गई थी और इसीलिए क्वेश्चन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स इस पे हंड्रेड परसेंट हमें आंसर आना चाहिए सो so, मेरे आतिश मेरे बहारी मीरे so, कौन नेवी के इंचार्ज है कौन मिलिट्री ऑफेंसेज के इंचार्ज हैं कौन रॉयल कोरिस्पॉन्डेंट के इंचार्ज है कौन आर्टिलरी के इंचार्ज है, कौन, के है? So, so, कौन, सेना, कौन सेना कौन संवाददाता एंड कौन तो के हमारे इंचार्ज हैं सो हंड्रेड परसेंट शुड कम हियर सो द लास्ट फ्यू क्वेश्चन करेक्ट आंसर हियर मोस्ट ऑफ यू आर राइट द करेक्ट आंसर यी मेरे आतिश इंचार्ज ऑफ आर्टिलरी मेरे बहारी वॉज इंच नेवी मेरे अक्षांत इंचार्ज ऑफ मिलिट्री ऑफेंसेज एंड वाक्य नाविस हो गए हमारे रॉयल कोरिस्पॉन्डेंट ंगाल बिहार काबुल एंड उड़ीसा ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको डेली सल्तनत में भी कराया था क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन का काफी ज्यादा ट्रेंड हो गया हमने अलाउदी पे क्वेश्चन किया था ये एक बार देख लीजिएगा क्योंकि काफी कॉमनली आज क्वेश्चन है ये ठीक है एनेक्सेशन ऑफ गोंडवाना गुजरात बंगाल बिहार काबुल उड़ीसा सो इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है द लास्ट फ्यू क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन जो आप स्पेशली सेशन में कर रहे हो एब्सोल्युटली वेरी वेरी एग्जामिनेशन सो द करेक्ट आंसर याद रख लीजिएगाड़ीसा टू सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थ रेफरेंस टू हिस्टोरियंस एंड दर व्यूज ऑन टाउन एंड सिटीज कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे एक्जामिनेशन में बर्नियर सेट दट इंडियन सिटीज व मिलिट्री कैम्प अशर सेट दैट सिंस मुगल बिलीव इन सेमी डिवाइन द अडेप्टन ऑफ दर्शन इन देयर ओन कोट शो सेक्यूलर एंड सीक्रेड दिस वॉज इंटेंशनल एबाकॉक शाहजहाँ के पीरियड के बारे में कहती हैं द ल्यूड ऑफ ब्लास्टर कॉलम्स एंड बांग्ला रूफ ऑफ दरोन पब्लिक ऑडियंसेज इट इज़ अ हाईली प्रोजेक्शन ऑफ इमेजरी मोहम्मद घरीपुर एंड मनु सोबती स्पेशली हमें टेंट्स के बारे में बताते हैं एंड बहारी आजम स्पेशली हमें ये कहते हैं कि भाई जो प्लेजर गार्डन्स हैं जो शहर होते थे वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े गार्डन थे so which of the following is correct? आप जिन लोगों को ये नहीं नहीं आ आ रहा रहा है, है। बहुत तरीके से तो ये सारे मॉडर्न हिस्टोरियंस के व्यूज हो गए ट्रैवलर्स के व्यूज हो गए ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है और पेपर के पैटर्न में ट्रैवलर्स के नाम तो आ रहे हैं बट यू ऑल्सो गेट एविडेंस मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के एविडेंसेस भी आ रहे हैं सो यू हैव टू नो आज के हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं ट्रैवलर्स क्या कह रहे हैं सो दैट प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन हो ठीक है सो द करेक्ट आंसर हियर ऑल ऑफ देम आर करेक्ट प्लीज अब इसको लर्न कर लेना कि बर्नियर्स ने इंडियन सिटी को मिलिट्री कैम्प बताया क्योंकि दर्शन होता था उसके बारे में एविडेंसेस देती है मोहम्मद घारीपुर एंड मनु सोबती स्पेशली हमें मोबाइल टेंट्स के बारे में बताते हैं एंड बहारी आजम स्पेशली हमें कहते हैं कि भाई जो शहर थे उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े गार्डन्स थे ओके

द लास्ट फ्यू क्वेश्चन क्योंकि एज आई अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन से भागोगे तो कहीं ना कहीं आप जस्टिस नहीं कर रहे हो अपनी प्रेपरेशन से क्योंकि मिडीवल में मैक्सिमम गलत होता है मिडीवल में यही आता है सो द करेक्ट आंसर योर इज ए अकबर दरबार मुला ये एक तरीके का हमारा बुलेटिन था जहां पर प्रांतीय न्यूज लेटर हो गए रिपोर्ट हो गए ऑर्डर हो गया ये सारी चीजें स्पेशली इसी डॉक्यूमेंट में आती थी ठीक है नंबर नाइनटीन टर्म्स और टर्म्स का मतलब Dastur, Kharwaris, then we have Dadni, then we have Patta and Hulia. सो so, दस्तूर का मतलब रेवेन्यू सर्कल होता था करवानि का मतलब होता था आर्टिशनल प्रोडक्शन जहां को रॉ मटेरियल्स दे दिया गया था मनी एडवांस में दे दिया गया था दादनी सिस्टम स्पेशली जहां पे मर्चेंट्स एक साथ जाते थे लार्ज नंबर में एंड पट्टा स्पेशली अ डॉक्यूमेंट जो स्पेशली स्टेट ने कल्टीवेटर को दे दिया जिसमें हर कुछ है कि कितना तो लैंड है कितना आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा क्या रेट पे देना पड़ेगा एंड होलिया हो गया डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स तो कौन से टर्म्स हो गए कौन से मीनिंग हो गए विच ऑफ द फॉलो being here is करेक्ट इनकरेक्ट ठीक है आप अगर ये गलत होगा तो मैंने आपको ये पूरी लिस्ट दे दी है प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बिफोर द एग्जामिनेशन सो विच इज करेक्ट एवरीवन लेट्स सी सो आई थिंक पद्मिनी सो द लास्ट टू क्वेश्चंस लेट्स सी पद्मिनी देन देन वी हैव स्मृति विधि नाजिया प्रिंसी नमिता रीता कावेरी एब्सोल्युटली करेक्ट है सो so, दस्तूर रेवेन्यू सर्कल्स हो गए ये दोनों गलत है क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज है ठीक है उसके अलावा पट्टा आपको पता है ये डॉक्यूमेंट जो स्टेट कल्टीवेटर को देता है जिसमें हर कुछ लिखा रहता है एंड हुलिया हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर सो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट सो प्लीज इसको अच्छे से टर्म्स को देख लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से दस्तूर हो गए रेवेन्यू सर्कल्स करवारस हो गए मर्चेंट जो एक साथ मूव करते थे एंड दे स्पेशलाइज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम रूरल एरिया एंड दादनी स्पेशली हो गए आर्टिशनल प्रोडक्शन जहाँ पे आर्टिस वो प्रोवाइडेड विद सारा रॉ मटीरियल सारा एडवांस एंड दे वर ट्रेन इन दीज कम्युनिटीज एंड देन वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉइनेज कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है ये ट्राई मेटलिज्म का जो सिस्टम है ये मुगल के टाइम पे नहीं जनरली शेरशाह के टाइम पीरियड में आया है शेरशाह ने इशू किया था कॉइन ऑफ सिल्वर जिसको हमने रुपया बोला विच इज वन सेवेंटी एट ग्रेम्स प्रीकर्सर टू मॉडर्न रुपी गोल्ड कॉइन्स वर कॉल दाम्स And copper coins were called Mohar. And Aurangzeb's time period, mein, the format of coins was standardized to incorporate the name of the ruler, the mint, and the date of the issue. So the last question with reference to coinage, which so, statement is correct? So which statement is correct? let Rita, Sachin. Uh, ओके एंड देन आई थिंक मनिक विधि एब्सोल्युटली करेक्ट है सो द करेक्ट आंसर हियर ट्राई मेटल का सिस्टम शुरू हो गया था शेरशाह के टाइम पीरियड में शेरशाह ने सिल्वर कॉइन इशू की थी जिसको हमने रुपया बोला था विच इज 178 ग्रेन्स जो आज हमारे प्रेजेंट रुपी का प्रीकर्सर है ये भी सही है गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड मोहर ये इंटरचेंज्ड है गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड मोहर एंड कॉपर कॉइन्स वर कॉल्ड दाम एंड औरंगजेब के टाइम पीरियड में कब आपने इशू किया कहां पे रूलर का नाम ये सब इनकॉर्पोरेट हो गया था ठीक है सो प्लीज इसको याद रखिएगा एंड विद दिस वी विल मूव फॉरवर्ड और कहीं ना कहीं इससे हमारा सेशन जो है ये खत्म हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर हियर सो कितना स्कोर आया एंड व्हाट इज सीन

These are all very important questions. And with this, we will move forward to the next session. or next session, we have no karenge sources of ancient and medieval India. So sources the sources again. And with this, we will see you in the next session. So all the very very preparation and see you in the next session. Wednesday ko